अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम ये डेट फॉर डिश फीट करेंगे। ये उनका सामान है, हॉकी हो गई, इसका स्टैंड कड़ा हो गया और डिश प्लेट और इसके स्क्रू और आपटोन शापर के अंदर होते हैं। तो मैं इसको खोल देता हूँ, ये सब हम ओपन नीचे से कर लेंगे। ये हॉकी वाली साइड जो ज़्यादा है वो हमने बाहर की तरफ रखनी है। यहाँ पर थोड़े से सुराख करते हैं, पतरी होती है वो प्लास से हमने हटा दी। तो ये पहला पहला स्क्रू जो है आपने यहाँ पर लगाना है। तो इनको कम टाइट करना है, बस इतना भी ढीला नहीं छोड़ना और ज़्यादा भी, ये देखिए इतनी इसमें हाल छोड़ना क्योंकि यहाँ से वेल्ड टूट जाता है। तो हम इसकी सपोर्ट जो डिश प्लेट को सपोर्ट करने के लिए होती हैं क्लैंप, वो हम लगा देंगे। ये बिल्कुल टाइट होना चाहिए, इसमें लूजनेस नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि अगर लूजनेस होगी तो सिग्नल जो है वो आपसे नहीं आए जाए। तो हम दूसरी भी लगा लेते हैं, लेकिन इसके साथ ये अप डाउन लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि कुछ दोस्त पहले स्क्रू टाइट कर देते हैं फिर उसके बाद प्रॉब्लम टाइट कर देंगे। ये लगा देंगे, ये इसका ये बाहर की तरफ रखना है, क्योंकि जहाँ से स्क्रू लगता है तो जहाँ पे डिश के सिग्नल आ जाते हैं तो वहाँ पे हम टाइट करते हैं, बाहर को अंदर की तरफ कर देते हैं फिर मसला बन जाता है। तो ये हम अच्छी तरह से टाइट कर देंगे, ये फुल टाइट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से लूजनेस का मतलब सिग्नल नहीं आने वाला। ये थोड़ा सा ढीला था तो मैंने इसके ऊपर स्क्रू ड्राइवर रख के इसको टाइट कर दिया। अब ये हमारा फ्रेम जो है ये बिल्कुल ओके हो चुका है। तो अब डिश प्लेट से पहले हम यहाँ पे ये क्लैंप लगा देंगे, LNB क्लैंप, केजू बैंड यहाँ पे लगती है। तो इसको भी ढीला ना छोड़ें, इतना भी टाइट ना करें, क्योंकि जब प्लास्टिक की होती है तो फिर टूट जाती है। अब डिश प्लेट को मैं फिट करने लगा हूँ, इनको भी आप अच्छी तरह से टाइट कर दिया करें। अच्छा, कुछ देर इसको बाहर की तरफ रख देते हैं, कर देते हैं ना, ये बहुत बुरा लगता है। ये देखें, इस तरह नहीं लगाना चाहिए, बल्कि इसको अंदर की तरफ लगाना चाहिए। इसको टाइट कर देंगे। अब ये सुराख जो है नहीं मिल रहा तो हम थोड़ा सा प्लास के ठोकर लगाएंगे, इसको पतरी को वहीं पे लेकर जाएंगे। तो ये हमारा नेट का ब्लॉक लग गया। ये अप डाउन वाला ये भी टाइट कर देते हैं। अब यहाँ पे कीजिए लगा देंगे, इसको थोड़ा सा टेढ़ा रखना है बस, आपने जहाँ से तार लगती है बस, ये आपके सिग्नल जो है वो ओके हो जाएंगे। जी तो दोस्तों, ये डिश जो है हमारा फिट हो गया है। और डे फुट 2.5, दो फुट और 3 फीट डिश फिट करने का यही तरीका है। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।